बिजली चोरों को अजमेर डिस्कॉम ने लगाया करंट। अजमेर डिस्कॉम की अलग अलग टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई की है। चिड़ावा अक्षन अशोक चौधरी ने बताया कि आज अल सुबह बेरी, छापड़ा, सरदारपुरा, दूधवा, दूधी, सुजड़ोला, अमीनपुर, गाडोली, लीखवा और काजी में छापेमार कार्रवाई की है तथा 5 अवैध ट्रांसफार्मर भी जब्त किए गए हैं। सभी जब्त किए गए ट्रांसफार्मर हरियाणा निर्मित हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। अब तक करीबन 70 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए गए हैं तथा कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सभी अवैध ट्रांसफार्मर को 2 माह में जब्त कर FIR दर्ज करवाई जाएगी। आज की कार्रवाई में 6 टीमों के 30 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। निगम की ये कार्रवाई जारी रहेगी जब तक सारे ट्रांसफार्मर जब्त नहीं कर लिए जाते हैं। ये है मामला। बिजली चोरी करने वाले हरियाणा निर्मित ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी कर रहे हैं। झुंझुनू के पिलानी इलाके में लॉकडाउन के दौरान करीबन 50 ट्यूबवेल बनाए गए हैं। नए ट्यूबवेल का संचालन अभी भी बिजली चोरी से किया जा रहा है और बिना विद्युत कनेक्शन लिए किया जा रहा है। अवैध रूप से ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं, जिस पर अजमेर डिस्कॉम ने आज छापेमार कार्रवाई की है। इन पर हुई कार्रवाई, डिस्कॉम ने रामवीर बेरी, मुकेश बेरी, धीर सिंह छापड़ा, सवाई सिंह छापड़ा, राम सिंह दत्तरवाला, धर्मपाल सुजड़ोला, अजय सिंह सुजड़ोला पर कार्रवाई की है। ये हुए कार्रवाई में शामिल चिड़ावा अक्षन अशोक चौधरी, विजिलेंस झुंझुनू के अधिशासी अभियंता पवन मीणा, पिलानी विद्युत विभाग के सहायक अभियंता सुरेंद्र सैनी, विजिलेंस चिड़ावा के सहायक अभियंता राम प्रताप बड़बड़, विजिलेंस झुंझुनू के सहायक अभियंता उज्ज्वल सेक्सरिया, विजिलेंस नवलगढ़ के सहायक अभियंता रविंदर चौधरी, पिलानी विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता संदीप मीणा, सुल्ताना विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता अंकित राव, चनाना विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता अशोक सैनी आदि कार्रवाई में शामिल थे। चिड़ावा झुंझुनू से ETV के लिए कृष्ण डसा की रिपोर्ट।